व्हाट्स अप गाइस, दिस इज़ योर होस्ट दीप और आप देख रहे हैं आपका 20 बाबा चैनल। अभी जो आप आवाज़ सुन रहे हैं वो मेरे कैमरे के इनबिल्ट माइक्स है, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे। अब मैं इसको स्टेशनरी रख देता हूँ यहाँ पे और थोड़ा दूर जाके बात करता हूँ आपसे। तो जैसे जैसे मैं दूर जा रहा हूँ मेरी आवाज़ भी कम हो रही है। आई डोंट नो आपको सुनाई आ भी रही होगी या नहीं। व्हाट्स अप, तो सेम एम्बियंस है, कोई म्यूज़िक नहीं चल रहा जैसे पहले नहीं चल रहा था, लेकिन डिफरेंस ये है कि मैंने यहाँ पे रोड का माइक लगा रखा है। जैसे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे रिसीवर है, ठीक है, स्क्रीन पे अगर मैं दिखाऊं, और ये जो है वो ट्रांसमीटर है, ठीक है। तो मेरी आवाज़ यहाँ पे कैप्चर हो रही है। अब मैं इसको वापस स्टेशनरी रखता हूँ। तो ये स्टेशनरी रखा हुआ है मैंने, अभी मैं कैमरे के पास में हूँ, आवाज़ आपको क्लियर आ रही होगी। अब मैं पीछे जाते जाता हूँ, आवाज़ अभी भी उतनी ही क्लियर होगी। तो ये है फ़ायदा इसका, ब्लूटूथ या फिर वायरलेस माइक का। एक तो कोई एक्सटेंशन नहीं है इसमें, और जिम में वीलॉग बनाना बहुत आसान है, क्योंकि अगर वायर्ड माइक में यूज़ करूँ तो वायर्ड माइक बहुत मुश्किल हो सकता है जिम में, इतनी सारी भीड़ होती है, और जब म्यूज़िक चलेगा तो भी ये मेरे पास है तो आवाज़ ज़्यादा क्लियर आएगी। यहाँ पर आप देख रहे होंगे तो ये डेड कैट है, इससे जो एक्स्ट्रा नॉइज़ है वो सप्रेस हो जाती है और जो मेरी आवाज़ है वो ज़्यादा अच्छे से आएगी। और माइक है रोड का, रोड वायरलेस गो टू, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे जाके आप इसको परचेज भी कर सकते हैं। तो आज है सैटरडे, बज रहे हैं 4। अभी जिम में जनरली कुछ कोई होता नहीं है, म्यूज़िक चलता नहीं है, तो इस वीडियो को बनाने आया हूँ। आज है मेरा लेग डे, बट इस बार थोड़ा चेंज किया है लेग्स में, ना मैं स्क्वाट्स लगा रहा हूँ ना लेग प्रेस लगा रहा हूँ, लेग एक्सटेंशन से मैंने स्टार्ट किया है। ये सेकंड सेट था, आगे देखते जाओ। थर्ड सेट, अभी मैं ऑपोजिट डायरेक्शन में वॉक कर रहा हूँ, अभी भी आप देख रहे होंगे आवाज़ क्लियर आ रही है। अभी मुझे कुछ पता नहीं चल रहा, घर जाके पता चलेगा कि कितनी क्लियर है, कितनी साफ है। तो आप ही कमेंट करके बताओ कि साफ आ रही है या और इससे बेटर हो सकती है। यह है फोर्थ सेट, सिक्स्थ सेट है ये। तो ये है सेवेंथ सेट, इस पर मैंने वेट नहीं बढ़ाया क्योंकि जो इससे पहले वाला सेट था वो बहुत हार्ड था, पूरे ऊपर तक मैं पैर नहीं ला पा रहा था, तो इसलिए सेम वेट से मैं सेवेंथ सेट लगा रहा हूँ। तो ये है मेरा आठवां और लास्ट सेट, इसमें भी वेट सेम है 90 किलो, और मुझे 8 रिपीटेशन मारने हैं।
सो ये मेरी पहली एक्सरसाइज थी, 8 सेट थे, 8 रिपीटेशन मारने थे हर सेट में। वेट मैंने कॉन्स्टेंटली बढ़ाया जहाँ तक बढ़ सकता था, उसके बाद मैंने छोड़ दिया। जनरली लेग्स में स्क्वाट्स लगाते हैं लोग, लेग प्रेस लगाते हैं, बिल्कुल सही है, लेकिन बहुत टाइम से रेगुलर बेसिस पे मैं ये लगा रहा था, थोड़ा चेंज के लिए इस बार मैंने कार्ड में ना तो लेग प्रेस डाली है ना लेग स्क्वाट्स डाली है, ठीक है, सिर्फ लेग एक्सटेंशन डाली है फॉर क्वाड्स, 8 सेट। और अब मैं जाऊँगा लेग कर्ल पे, उसके भी 8 सेट लगाऊँगा 8 रैप के साथ। तो ये वीडियो किसी स्पेसिफिक वर्कआउट से रिलेटेड नहीं था, स्पेसिफिक इस माइक से रिलेटेड था, कितना यूज़फुल है ये वाला माइक, ख़ास तौर पे जिम पे जहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं और आवाज़ क्लियर आना बहुत मुश्किल है। तो कैसा लगा बताना मुझे, आवाज़ कैसे आ रही हो अभी भी पता नहीं है, घर जाके पता चलेगा। अगर आवाज़ सही होगी तभी मैं वीडियो ये पोस्ट करूँगा, वरना ये वीडियो दिखेगा नहीं आपको कहीं पे। सो वर्कआउट इज़ नॉट ओवर, बट ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करता हूँ क्योंकि बहुत बड़ा लंबा हो जाएगा वीडियो। कैसा लगा बताना, और ऐसे वीलॉग स्टाइल वीडियो मैं आगे डालता रहूँगा इस चैनल पे। अच्छा लगा तो लाइक करके सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। मिलता हूँ अगले वीडियो में, एंटिल देन पीस आउट।